इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो इसमें हो एक्सरसाइज 4.2 और उसका दो नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग को एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर ही कहता है कि उदाहरण दो के समस्याओं को हल कीजिए, लेकिन आप लोग जो है हम पेज नंबर 80 बता दिए हैं और उसमें आप लोग को जो है दिखना है पूरा डिटेल्स, लेकिन हम आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर ही उसका गुणनखंड और उसको हल करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसके बाद आप लोग को परिभाषा वाला जो क्वेश्चन होता है, परिभाषा वाला क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इस सबको बताएंगे, तो आप लोग एकदम पूरा पूरा देखिएगा, ठीक है, पूरा पूरा देखिए और पूरा पूरा आनंद उठाइए और समझिए। अगर आप थोड़ा सा देख करके यानी कि इसको अति कर देते हैं, नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं, तो आप लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं आगे चल करके, ठीक है। तो पूरा पूरा देखिए और एकदम ध्यान से देखिए ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट में ज्यादा ना बात करके देखिए, ध्यान देते हैं यहां पर देखिए आगे अंक नहीं है, ठीक है, और यहां पर जो है यहां पर आप लोग को 324 दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो है कह रहा है आप लोग को, क्या कह रहा है, या तो मूल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा एक्स वाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए, सब एक ही बात है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 324 के हम एलसीएम लेते हैं, 324 के एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 324 के यहां पर लिख देते हैं, 324 के एलसीएम लिए, ले लिए यहां ये वाला अंक को, ठीक है, संख्या को अब 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो 16 दुना के 32 2 दुना 4 2 से 162 दाम कट गया, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दुना के 16 2 एकम 2 कट गया, उसके बाद फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 27 तिया के 81, फिर हम इसको 3 से लगाएंगे तो यहां पर ही 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझिए, दिखाई अगर ना देता होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर अंक हम बोल देंगे, आप लोग क्लियर समझ जाइएगा। देखिए सबसे फर्स्ट में अब यहाँ पर हमको लाना कितना है, माइनस में 45x, आप लोग को इससे पहले भी बताया है, एकदम बिंदास समझिएगा। देखिए माइनस 45x है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 दुना के 4 और 4 तिया के 12 हो गया, 12 और 12 तिया के 36 36 हो गया, और यहाँ 3 है और 3 है तो 3 तिया के 9 यहाँ 36 36 और 9 36 और 9 2 दुना 4 4 तिया 12 12 तिया 36 और ये 9 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तब 45 आ गया ना, लेकिन हमको जोड़ का क्या चीज में लाना, तो माइनस में लाना है, तो दोनों को माइनस में जोड़ेंगे, दोनों को माइनस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस में 36x और माइनस में 9x हो गया, तो माइनस 36x माइनस 9x माइनस में 45x हो गया प्लस 324 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, मतलब बराबर 0। अब समझिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो एक्स कॉमन करेंगे तो यहां पर दो को में से एगो बाहर तो एगो अंदर, और माइनस में 36 एक्स में से एक्स बाहर हो गया तो 36 बच गया, अब ठीक है। अब माइनस यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन करेंगे और जोड़े जोड़े देखिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लाना पड़ेगा, तो 9 बाहर कीजिएगा तब ना एक्स आएगा 9x में से। अब समझिए, अब ये प्लस जो है कै गो माइनस से बनता है, 2 गो माइनस से, ये प्लस के निर्माण 2 गो माइनस, एम से एगो बाहर निकल गया तो एगो अंदर में बच जाएगा ना, यह बच गया, अब 9 से जब भाग देंगे इसमें तो ये 36 से दामे पड़ेगा और बराबर में 0, ठीक है। आप लोग बहुत गुणनखंड सीखे होंगे, एकदम समझ गए होंगे। अब देखिए x माइनस 36 एक्स माइनस 36 को कॉमन करेंगे, ठीक है, x माइनस 36 एक्स माइनस 36 को इसको बाहर किया तो बचा क्या, ये वाला बाहर चला गया तो यहाँ बच जाएगा x, और माइनस ये वाला बाहर चला गया तो बचेगा 9, ठीक है, अब बराबर में 0। अब आप लोग को पता है कि इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 36 और बराबर में 0 हो गया, और फिर
एक्स माइनस नौ और बराबर में जीरो हो गया। अब x यानी माइनस में है तो इधर कथी में जाएगा, तब प्लस एगो x के मान निकल गया, इसको शून्य कहिए चाहे मूल कहिए बात सब एक ही होता है। अब इधर देखिए x बराबर यानी माइनस में है तो यानी प्लस, तो यानी कि दो गो आपका आंसर हो गया ठीक है। और आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा आ कहेगा कि इनमें से कौन है, दो गो दे देगा 36 आप फिर 9 दे देगा, दोनों कौन आंसर है, एक्स वाई क्या आता है, ये x होता है y होता है, लेकिन इतना ध्यान देना है दो गो वैल्यू, तो दोनों वैल्यू ऑप्शन में दे देगा तो आप टिक लगा दीजिएगा, दोनों जो आंसर मिलेगा जे में उसको टिक लगा दीजिएगा ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए और आप लोग लाइक करते चलिए ठीक है, लाइक दीजिए क्योंकि एक लाइक दीजिएगा तो हमको जान रहेगा कि हौसला बढ़ जाएगा। अब देखिए बराबर जीरो, अब यहाँ भी आगे अंक न है तो ई वाला के उठाइए आप बगल में लिखिए, क्या लिखिएगा कि 750 का एलसीएम ठीक है, 750 का एलसीएम। तो अब यहाँ हम अगर दो से लगाते हैं तो 375 होगा, 375 ना होगा, देख लीजिए दो तिया छ और सात दुना चौदह पाँच दुना दस, अब कैसे तीन से लगेगा तो एक दामे आ 25 तिहाई के 75 तीन 125 दामे। अब देखिए अभी पांच से लगेगा तो पांच से लगेगा तो आप समझ रहे हैं ना कैदा में, तब 25 दाम है, फिर इसको हम पांच से लगाएंगे ठीक है तो पांच दाम, और हम लोग को बीच में लाना कितना है समझ रहे हैं, ये एकदम सेम यही नियम पर है, आप लोग को खाली हम ये तोड़ देंगे तो आप लोग बना सकते हैं, एकदम बनाए होंगे आप लोग पहले से बना लिए होंगे, लेकिन आप देख लीजिए जिनको जिनको प्रॉब्लम होगा उनको लिए देखिए, अब ध्यान दीजिए लेकिन लाइक करते चलिए ठीक है। देखिए यहाँ देखिए माइनस 55 लाना है ना तो कुछ ना करेंगे, दो तिहाई के छ और छ पचे 30 हो गया, हो गया 30, 30 हो गया आ 50 25 तो ई 25 आ ई 30 ई सब ई 30 30 30 आ 25 55 55 लेकिन माइनस में लाना तो कुछ ना करना एक्स स्क्वायर आ दोनों के लिख दीजिए ना माइनस में 30x आ माइनस में 25x आ प्लस में 750 आ बराबर जीरो, आ छोड़ के नहीं भागिए रुकिए देखिए पहले समझिए, परिभाषा वाला भी मनोरंजन लाइक वाला क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों में से क्या कॉमन करेंगे तो x, क्योंकि दोनों में x सबसे छोटा होता है वही कॉमन होता है, तो x छोटा है ना इस सब में, तो इन दोनों में से एगो गया तो एगो बच गया माइनस 30 हो गया, आ माइनस अब यहाँ क्या करना है x लाना है ना तो x लाना है तो ये x कब होगा जब ये 25 बाहर जाएगा तब ना है। अब समझिए यहाँ ये प्लस कैगो माइनस से बनता है दो गो माइनस से, प्लस हमेशा कैगो माइनस से बनता है दो गो से, तो एगो तब बाहर या आ गया तो एगो अंदर में ना बचेगा, आ जब ये 25 से भाग दीजिएगा ये 25 से भाग इसमें दीजिएगा तो 30 दामे कट जाएगा बराबर जीरो हो गया। अब समझिए x माइनस 30 और x माइनस 30 तो x माइनस 30 को कॉमन करेंगे, कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या देखिए x ये वाला ये तो बाहर चला गया ना, और अब यहाँ बचेगा माइनस और ये भी बाहर चला गया तो क्या बचेगा 25 और बराबर जीरो। अब आप लोग समझते होंगे कि एकरो बराबर जीरो हो गया, एकरो बराबर जीरो हो गया, और अब जानते हैं कि इन्हें माइनस में तो इन्हें प्लस में, इन्हें माइनस में तो उन्हें प्लस में, अगर इन्हें प्लस में रहता तो इन्हें माइनस में, आंसर ही दो हो गया ठीक है। आप लोग एकदम समझ गए होंगे, एकदम लाइक कर दीजिए एकदम ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ ही साथ ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए हम रेगुलर लाते रहते हैं ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब दिन के लिए ऐसे चलते रहे, आप लोग कुछ मोटिवेशन मतलब कुछ हमको भी हौसला दीजिए, वही लाइक सब्सक्राइब ही हम लोग को हौसला है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, चलिए दोस्तों अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, इसमें आप लोग को समझना है एकदम सिंपल है ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कहता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, क्या वो संख्या ज्ञात करना है दो वो संख्या ठीक है, क्लियर समझ गए क्या गो दो गो, तो आप लोग जानते हैं कि जिसको ज्ञात करना है उसको तो हम लोग मान लेते हैं, समझिए
जिनका योग 27 है। ठीक है, इतने समझिए, बाद में बाकी को समझ लेंगे। देखिए, ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ठीक है, ऐसा दो को संख्या को ज्ञात करना है कि उसका योग ना 27 है। मान लीजिए कि यहां पर एक संख्या हम ऐसी समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि एगो 13 हो गया, एगो 14 हो गया। ठीक है, तो बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, 27। क्लियर समझ गए आप लोग? अब समझिए, ऐसी दो संख्या जिनका योग 27 है, तो ये योग, योग माने जोड़े ना 27 है, समझ रहे हैं ना, 27 है। अब मान लीजिए कि आप लोग ऐसे में तो एकदम समझ गए होंगे कि हाँ ये तो सर्वे होते, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाना है, इसको बनाना है, क्योंकि नंबर आप डिटेल्स में जानते हैं, शॉर्ट में आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, मतलब जहां पर ये ऑब्जेक्टिव की जरूरत होगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, जहां डिटेल्स के रूप में। देखिए, तो यहाँ आप लोग जान गए कि जिनका योग 27 है, तो ऐसी दो गो संख्या जिनका योग, योग योग माने जोड़, 27 है ना। तो यहाँ पर देखिए, समझिए, अब ये हम 13 और 14 न दे करके मान लीजिए कि एगो एक्स है और फिर एगो एक्स मान लिए। ठीक है, टोटल हो गया 27 हो गया। ये दो गो ऐसा संख्या माने हैं, ऐसा संख्या माने हैं कि दोनों के योग जो है 27 है, समझिएगा। तो मान लीजिए कि एक्स बराबर यानी प्लस में है तो इन्हें कथी में जाए माइनस में, तो 27 माइनस एक्स। तो आप लोग को पता होगा कि एक संख्या एक्स हो गया, दूसर का संख्या 27 माइनस एक्स हो गया। अब ऐसे समझिए, अनंत एक बार हम बात बता रहे हैं तो ऐसे समझिए, समझ गए होंगे, नहीं ये एक्स है नहीं पल। मान लीजिए कि कहता है ना, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो बउआ जी समझिए यहाँ पर, 13 और प्लस 14 तो दोनों के योग माने जोड़ 27 है ना। तो ये तो ना आप लोग समझ जाते, यहाँ पर ही गड़बड़ा जाते। मान लीजिए कि हम ये x के जगह 13 की जगह x मान लिए, और यहाँ पर 14 की जगह भी x मान लिए, एक जैसा दो गो ना मानता है, लेकिन यहाँ पर हल के लिए मान लिए कि ये हो एक्स है, ये हो एक्स है, और दोनों का योग क्या है 27 हो गया। अब इन्हें एक्स हो गया, एक्स हो गया इन्हें प्लस में, तो इन्हें माइनस में, तो एक वो संख्या एक्स हो गया, दूसर की संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब समझ गए होंगे, ठीक है। अरे एक प्रयोग द्वारा और हम बताते हैं, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है ना, योग 27 दो गो के जोड़ का 27 है। तो मान लीजिए कि दो गो के जोड़े के बाद 27 है, तो अब समझिए कि अगर एक संख्या एक्स होगा तो दूसरा कितना होगा। ठीक है, उसी प्रकार ना बताए कि अगर दोनों के जोड़े पर 27 आता है, तो मान लीजिए कि एक संख्या 13 है ना, 13 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो 14 ही ना होगा, कितना होगा 14। तो मान लीजिए कि एक संख्या एक से है, मान यहाँ पर हम आप लोग को एकदम समझा दिए बढ़िया से कि 13 और 14 का योग 27, और यहाँ पर इसको एक्स माने बराबर भी 27, और एक्स ने प्लस में तो इन्हें माइनस में, तो एक वो संख्या ई हो गया, दूसरा का संख्या ये वाला हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना की ठीक है हो गया, दो संख्याएं कौन कौन होगा, देखिए एक हो गया x और दूसरा हो गया 27 माइनस एक्स हो गया, एगो x हो गया, एगो 27 माइनस एक्स। अब समझिए, मतलब बात को ज्यादा अति करने से और ज्यादा विस्तार होने लगता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा विस्तार करने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक मार दीजिए, एकदम लाइक कीजिए। देखिए, अब एक संख्या एक्स हो गया, दूसर का संख्या 27 माइनस एक्स, अब क्या कहता है, गुणनफल 182 है, मतलब ये दो संख्या है ना, दोनों संख्या का गुणनफल जो है ना 182 है, तो हम प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, दोनों संख्याएं का गुणनफल कितना है 182 है, कितना है 182
बेरासी है, दोनों का गुणनफल 182 है। तो दो संख्या कौन कौन है, तो एगो एक्स है आ एगो 27 - x है, देख लीजिए एगो एक्स है आ एगो 27 - x है, हो गया ना। अब दोनों के गुणनफल तो गुना के चिन्ह आ बराबर में 182 हो गया। अब इससे गुना करते तो 27 x आ माइनस एक्स में एक्स से एक्स स्क्वायर आ बराबर 182 हो गया, बराबर 182। अब समझिए कुछ ना करेंगे, सारा के उठाए दे इन्हीं भाग जाएंगे तो इन्हें क्या बच जाएगा, जीरो बचेगा क्योंकि ये सब उठ कर उन्हें जाएगा। तो 182 चाहे से करते पहले इन्हें चाहे 182 रखी आगे, ठीक है 182। अब इन्हें देखिए ये प्लस में इन्हें तो इन्हें माइनस में, अब इन्हें माइनस में तो इन्हें प्लस में, हो गया। अब इसको सीधा कर देते हैं, सीधा कर देंगे, देखिए ये बड़का तो आगे ई एकरा बाद मझला तो एकरा बीच में आ ई वाला अंक वाला के ई पीछे, हो गया। अब बराबर में ई वाला के ने लाके रख दीजिए जीरो। अब क्या करेंगे, गुणनखंड गुणनखंड एकदम सेम टू सेम जैसे पहलुकवा वाला, ठीक है। तो गुणनखंड 182 के गुणनखंड एलसीएम देखिए दो से, ठीक है दो से एलसीएम 9 × 2 = 18 9 = 9 2 × 2 ठीक है 9 × 2 = 18। फिर अभी अब कैसे लगाएंगे, 63 × 91 सात से, ठीक है सात से। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, हाँ मिल गया मिल गया, 2 × 7 = 14 तो पहले था ना 2 × 7 = 14 14 × 13 = 27 लाना है माइनस में, बात समझ रहे लाना है माइनस में। तो दोनों के माइनस में जोड़िएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस 13x माइनस 14x माइनस 27x और प्लस में 182 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन एकदम आप लोग को आता होगा क्योंकि इससे पहले दो गो क्वेश्चन उसी पर बताए थे और उसके बाद उस, मतलब उससे पहले बहुत सारा बताए हैं उससे पहले का मतलब वो इससे पिछला वाला वीडियो में। अब देखिए दो गो में से इधर गया एगो आ माइनस 13 एक्स बाहर और माइनस कॉमन आ 14 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा एक्स आ दो जो प्लस जो है दो गो माइनस से बनल क्या गो दू गो माइनस से, तो एगो माइनस वा बाहर तो एगो माइनस वा अंदर। अभी 14 से जब भाग लगाइएगा ना 182 में तो 13 दामे कट जाएगा आ बराबर में 0। अब बस कथी करते ये दोनों के कॉमन करते तो एक्स माइनस 13 और ई वाला बच गया आ ई माइनस 14 क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है, ये दोनों कॉमन है बराबर 0 एकदम। आप लोग समझ गए होंगे एकदम, हम समझ रहे हैं बात को कि समझे होंगे, लाइक मार दीजिए लाइक मार दीजिए। देखिए एक्स माइनस 13 बराबर भी 0 13 बराबर भी 0 आ एक्स माइनस 14 बराबर भी 0 दोनों के बराबर 0 ना, हम पहले से बताते आ रहे हैं समझाते आ रहे हैं, धोखा नहीं दीजिएगा, ठीक है। इन्हें माइनस में तो इन्हें प्लस, ठीक है और एन ही माइनस में तो एन प्लस, ठीक है। अब क्या कहता है कि दो गो संख्या बताइए जिनका योग 27 होता है, तो बउआ जी ये 13 आ 14 के जोड़िए ना तो ना आ जाएगा योग 27। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन है अतः करके लिख दीजिएगा आप लोग प्यार से। अतः दो संख्याएं 13 और 14 है, 13 और क्या है 14 है, एकदम समझ गए होंगे। आई गुणनखंड में तो तनको दिक्कत ना होना चाहिए ना, तो जाइए प्लेलिस्ट में तनका सा देख लीजिए, ठीक है बस यही कहेंगे। अब आप लोग समझिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए आ गया है क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए
जिनके वर्गों का योग 365 है। एकदम आराम से ऐसे बैक वाला वीडियो में भी बता दिए हैं, और आप लोग बैक वाला वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को क्या पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कुछ नॉलेज तो जरूर मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा बैक वाला भी वीडियो देखिए, ठीक है। हाँ देखिए, यहाँ देखिए, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखिए, दो गो कर्मागत मतलब हम कर्म से समझाए थे, उस दिन बनाने के बाद समझाते, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब मान लीजिए ना, ज्ञात करने के लिए कहता है, निकालने के लिए कहता है, जो गायब होता है वो सबको मान लीजिए। तो मान लेते हैं कि माना कि दो, पहले तो तनका लिख दीजिएगा हॉल और तब यहां से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। माना कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक आ बराबर, ठीक है, बराबर। तो देखिए, एगो के x मान लेते हैं और एगो के मान लेते हैं x+1 कर्मागत, और आप लोग तो लास्ट में समझ में आ जाएगा कि कहला इसे माने ऐसे, ठीक है। हम आप लोग को बता देते हैं लास्ट में, देखिए अब क्या कहता है। हाँ, दोनों जिनके वर्गों का योग, अब एक कह न वर्ग, अब वर्ग माने कथी समझते, स्क्वायर, ठीक है। दोनों धनात्मक संख्या जो है, मतलब दोनों संख्या के वर्गों का योग तो वर्गों का योग कितना, 365 है, तो 365 लिख दीजिए। आ ये प्रश्न से है ना, तो एक ऊपर में लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है, छूट गया है तथा आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न से लिखे है ना बात, तो दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना, देखिए आराम से पढ़िए। दोनों संख्या यहाँ है ना, दो गो कर्मागत संख्या, पूर्णांक या पूर्णांक के लिखिए चाहे संख्या लिखिए, ठीक है, पूर्णांक के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पूर्णांक कर देते हैं, देखिए पूर्णांक, ठीक है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, मतलब जिनके वर्गों का योग 365 लिख दिए। अब दोनों पूर्णांक कौन कौन है, तो एगो एक्स है, ठीक है ना, आ एगो है x+1 है, लिख दिए ना। अब कथी कहता है कि दोनों पूर्णांक हो गया, आ के वर्गो, तो वर्ग माने स्क्वायर आ का योग, योग माने जोड़ आ बराबर 365। बस एक बात आप लोग भी फरिया लीजिएगा ना, फरियाइएगा, देखिए x² और प्लस में a+b के स्क्वायर पर थोड़ी ये बहुत तक सिखा है, 4.1 से सिखाते आ रहे हैं, अब तक का बैक वाला वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छा वाला बात रहेगा। हाँ देखिए a, देखिए पहले 1² फिर प्लस 1² दे दिए, और कुछ ना करेंगे, 2 × एकदा एकरा फिर एकदा एकरा हो गया, अब बराबर में 365, कुछ ना करेंगे x² + 1 + 2 × 1 = 2 तो 2 आई वाला x बराबर 365 हो गया। ये एगो दो गो x² आ प्लस, देखिए 2x, एक काम करते 1 भी लिख लेते, 1 आ प्लस 2x यानी प्लस में तो इन माइनस में 365 बराबर 0। 2x² और प्लस कथी लिखे, प्लस में एकरा लिखे 2x, अब बताइए 365 माइनस में है वर्ग, एगो तन्नी गो त्योहारी प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस 364 ना आएगा, बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, तोड़ने से पहले एगो आसानी, 2 कॉमन कीजिए, आराम से 2 कॉमन कर दीजिए, तो ये हो गया x² बच जाएगा, और प्लस में ये 2 भी बाहर आ गया तो x बच जाएगा, और माइनस में जब इसको 2 से भाग देंगे तो 18 × 36 और 2 × 4 182 आ जाएगा।
ठीक है, दूसरे भाग भी है, इस समय दूसरे भाग। अब ई वाला गुना में इधर तो इन्हें भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 आ बराबर 0 आ बाई 2 और इन्हें गुना में तो इन्हें भाग में। अब बउआ जी कथी हो जाते भाग में, यानी कि जीरो मतलब ये जीरो ही हो जाएगा, डायरेक्ट रूप से बात करते हैं, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब इसको ना गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड एकदम समझिए गुणनखंड। x माइनस 182 है, वही चीज के नीचे उतार दिए ना, अच्छा कोई बात ना है, ध्यान दीजिएगा 182 है तो 182 के पहले LCM लेंगे, LCM तो 2 से लगाइए तो 91, ठीक है, आप फिर लगाइए ना 7 से तो 63 91, तो बउआ जी 2 7 14, ठीक है, आ 14 में से 13 जाएगा, माने 14 गो x में से 13 गो x जाएगा तो एगो ना बच जाएगा, लाना है प्लस में, लाना है प्लस में, तो बड़का के प्लस में, बड़का के प्लस में और छोटका के माइनस में, ठीक है, और माइनस 182 बराबर 0 हो गया, समझ में आ गया होगा। और अब ये दोनों में से कॉमन, तो एक्स एक्स कॉमन करते हैं, तो एक्स आ प्लस में 14 आ माइनस समझिए 13 कॉमन कीजिए, तब ना यहाँ एक्स है, एक्स से बचेगा 13 बार होगा तब ना, आ ई माइनस बाहर चला गया तब बच गया प्लस, ई 13 से भाग दीजिएगा तो ई 14 दाम में कट जाएगा बराबर 0। अभी दोनों कॉमन कीजिए तो एक्स प्लस 14 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कथ एक्स माइनस 13 और बराबर में 0। आप लोग को पता है कि एकरो बराबर 0 आ एकरो बराबर 0, तो एक्स प्लस 14 आ बराबर 0 और एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो यहां ध्यान दीजिए ई प्लस में तो इन्ने माइनस में और इन्ने माइनस में ई तो इन्ने प्लस में, ठीक है। अब रह गया बात कथी की, समझिए अब यहां पर बात करते हैं कि देखिए दू गो धनात्मक पूर्णांक कथी माने थे, तो एहे वाला ना तो अत करके लिखिएगा अत, ठीक है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कथी कथी माने थे, एगो माने थे एक्स औरो मतलब और एगो माने थे एक्स प्लस वन, ए तो हम कहे थे ना कि माइनस वाला के न लेवे के है, ठीक है, तो यहाँ ले लेवे के है प्लस वाला के, तो एगो 13 हो गया औरो जब एक्स के मान 13 तो एक्स प्लस 1 ना है, तो 13 प्लस 1 आ बराबर 14। अब आप लोग बताइए कर्मागत ना है, कर्म से ना है, नंबर से ना है, 13 के बाद 14 ना आता है तो ओकरा बोलते हैं कर्मागत। तो कर्म से अगर मान लीजिए कि यहाँ x प्लस 2 रखते तो आपको आता 13 14 के जगह पर 15 आ जाता, क्योंकि 13 में 2 जोड़ते तो 15 होता, ताकि 13 आ 15 कर्म से है, नंबर से है, ना है तो गलत हो जाता, इसलिए ऐसा मानिएगा दूगो कर्मागत कि मतलब एगो के बाद दूसर का आ जाए, तो इसीलिए एगो के एक्स माने हैं, एगो के एक्स प्लस वन माने हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, लाइक मार दीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब जो है आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लेकर के आते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए यहां पर ही आप लोग को जो क्वेश्चन 2 बचा हुआ है, तो 2 क्वेश्चन तो बन के और नेक्स्ट डे फिर इसका प्रैक्टिस चलेगा, इसलिए कुछ अगला डे के लिए मतलब कुछ हल्का कर लेते हैं, इसमें कुछ बड़ा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग दिखते नहीं है, इसलिए आप लोग के लिए कुछ सूत्र बता देते हैं 2 मिनट, ऐसे बड़ा वीडियो नहीं होगा ना, तो 2 क्वेश्चन बताने के बाद उसमें 10 मिनट 15 20 मिनट लग सकता है, तो इसीलिए आप लोग को हम बता देते हैं
कि इसमें आप लोग को द्विघात सूत्र के बारे में बताएंगे। और आप लोग एक बात याद रखिएगा, आप समझिएगा कि द्विघात सूत्र के इतना ही बात है तो आप गलत है, ठीक है। आप समझिएगा कि इतना ही बात होता है तो नहीं, इसका बहुत सारा बात होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आप लोग के लिए एकदम गर्मा गर्म, ठीक है। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र पहले समझिए कि द्विघात सूत्र इसलिए बता देते कि फॉर्मूला बताने में कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 मिनट में बोल करके खत्म कर लेंगे और आप लोग याद करके खत्म कर दीजिएगा, ठीक है, बच गया से। तो आप लोग देखिए द्विघात सूत्र होता है माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर और माइनस में 4ac, एसी। अभी अच्छा लगता है गर्मी के दिन है ना, लेकिन ज्यादा बेटर नहीं। अभी हम तनका खोखी और खांसी सर्दी होता है, कोरोना के नाम हो जाता है। देखिए आप बाई बाई 2a, देखिए क्या है द्विघात सूत्र में, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एकदम याद कर लेना है आप लोग को, ठीक है, याद कर लेना है, अगला दिन गर्दा उड़ा देना है इस पर क्वेश्चन। अब समझिए द्विघात समीकरण ये बनता है या ये वाला से, द्विघात समीकरण से, ठीक है, द्विघात समीकरण से। और ये सूत्र कब मतलब समझ रहे हैं ना कि सूत्र जो होता है ये मूल ज्ञात कर, जब मूल ज्ञात करने जाएंगे ना, चाहे शून्य ज्ञात करने जाएंगे ना मूल उल, तो यह द्विघात सूत्र के प्रयोग करके सारा शून्य के एकदम गर्दा उड़ा देंगे यह सूत्र पर, ठीक है। जितना हम सब हल किए हैं बैक एक्सरसाइज मतलब अभी जस्ट किए हैं, जो भी एक्स के मान निकाले सारा के इस सब पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कहेगा मूल ज्ञात कीजिए द्विघात सूत्र से, कौन सूत्र से, द्विघात सूत्र से, तब हम सब ई वाला फॉर्मूला के प्रयोग करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो कौन वाला सूत्र से ही बना है, तो सूत्र कहते हैं द्विघात समीकरण से बना है। लेकिन कब नियम लागू होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4a माइनस में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से 12 होना चाहिए या 0 के बराबर, 0 से छोट ना, माइनस में ना आवे के चाहिए में मान, प्लस में आवे के चाहिए, तब नहीं कह दिया है, कथी कह दिया है, एकदम समझ लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब अइसनका पर मान रख कर हल करेंगे ना, तो हम लोग को चाहे 2 आवे, 3 आवे, 1000 आवे, 144 आवे, 136 से कुछ आवे, कुछो आवे, 16 आवे, लेकिन ये सब संख्या जो है ना से 0 से बड़ होके चाहिए, चाहे बराबर 0 आवे के चाहिए, यानी 0 तो नहीं आना चाहिए, लेकिन 0 आता है, ठीक है, आता है में कोई टेंशन बात नहीं, या 0 ए में आवे के चाहिए हल होकर, आ ना तो 0 से 12 होके चाहिए और माइनस में ना होके चाहिए, बात समझ में आ गया ना, तो अभी जाकर के सूत्र नियम के फॉलो करता है, मतलब उसका वर्गमूल निकलता है, ठीक है। इसका बहुत एक बात है, इसको बहुत तक बात के हम नेक्स्ट वीडियो में हिसाब बनाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन बच गया, उसको गर्दा उड़ा का तब अगला के गर्दा उड़ाएंगे, तो बात समझ इधर समझ गए ना, ये जो होना चाहिए एक मान वो हमेशा ना 0 से 12 होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोट ना होके चाहिए, मतलब छोट के मतलब माइनस में ना होके चाहिए, बात समझ में आ गया है, माइनस में ना होना मतलब होना है। और यह हो गया आप लोग को है द्विघात मूल ज्ञात, द्विघात सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, यह वाला सूत्र एकदम आराम से याद कर ले, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ई द्विघात समीकरण इतना से बनता है और ई जे है हमेशा ने ई जे है हमेशा 0 से 12 होता है और 0 के बराबर होता है, मतलब उसका मान जो आएगा ना से 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा, लेकिन 0 से छोटा माइनस में ना आवे के चाहिए, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग से मिलते हैं।